सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजकन ब्लॉग्स। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को लाइव दिखाने वाला हूं कि कैसे, अगर आप जोमेटो में नए हैं और आज आपका पहला डे है, तो आप कैसे ऑर्डर को असाइन कर सकते हो, कैसे आप मर्चेंट तक रीच कर सकते हो और कैसे आप ऑर्डर को पिकअप और डिलीवर दोनों कर सकते हो। तो गाइस, ये वीडियो में आप लोग को पूरा दिखाऊंगा आज। और गाइस, वीडियो को अच्छे से समझना, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। आप यूट्यूब पर सर्च करके देखना कि आपको लाइव वीडियो दिखाया जाए, लेकिन आपको ऐसा लाइव वीडियो कभी नहीं दिखेगा। आपको मतलब बनाया हुआ आपको वीडियो दिखेगा। सो गाइस, मैं आज ये वीडियो मतलब आप लोग के लिए लाइव बना रहा हूँ। तो गाइस, इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। गाइस, बहुत इजी स्टेप है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत इजी स्टेप है। जल्दी जल्दी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन का डाटा ऑन कर लेना है और लोकेशन भी आपको ऑन कर लेना है। तो गाइस, उसके बाद गाइस आपको अपना फ़ोन का जो ऐप है से आप, तो ये जोमेटो डिलीवरी मेरा पार्टनर ऐप है, इसे ओपन कर लेना है। थोड़ा टाइम लग रहा है ओपन होने में। सो गाइस, इसे मैंने अभी ओपन कर लिया है। अभी आपको यहाँ पर क्या करना है कि अपने ऐप पर आपको आ जाना है। आने के बाद गाइस, आपको यहाँ से आपको ऊपर दिख रहा होगा ऑफलाइन का ऑप्शन, आपको यहाँ से ऑनलाइन जाना है। कि आपके मैप में आपको ये ब्लैक दिख रहा होगा, ये आपका लोकेलिटी है, इसके अंदर से ही आप अपना ऑर्डर का पिकअप कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट है, एक ही सिर्फ रेस्टोरेंट नहीं है। तो गाइस, आपको जब आपका आप अपने ड्यूटी पर ऑनलाइन जाओगे, तो आपको पहले ही सर्कल के अंदर आना होगा। यहाँ पर आने के बाद ही आप ऑनलाइन जा पाओगे, नहीं तो आप नहीं जा पाओगे। तो गाइस, इसके अंदर आ जाना है आपको, और यहाँ से आपको ये यहाँ पर ऑफलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको यस का ऑप्शन आएगा। और जैसे आप यस का ऑप्शन क्लिक करोगे, आप यहाँ से ऑनलाइन आ जाओगे। तो फिलहाल तो मेरा ड्यूटी का टाइमिंग है नहीं, तो गाइस मैं अभी तो आ नहीं सकता हूँ। तो फिलहाल मैं ऐसे कर लेता हूँ ओपन। जैसे तो आप यहाँ पर ना दिखा दिया है कि यू कैन गो ऑनलाइन ओनली इन योर शिफ्ट टाइमिंग। जैसे कि अभी आप यहाँ पर ऑनलाइन आ जाओगे, तो अभी यहाँ से आपको ऑर्डर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो गाइस, आपको फ़ोन को ऐसे ही ऑन करके रख देना है। आपको अपने फ़ोन का जो वॉल्यूम है ज़्यादा करके रख देना हाई, जिससे आपको मतलब जो ऑर्डर आएगा, ऑर्डर का आवाज़ आपको मतलब सुनाई देना चाहिए। एक्चुअली इसका आवाज़ पुलिस के साइन जैसा मतलब लाउड होता है। तो गाइस, अभी मुझे ऑर्डर आने वाला है, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ऑर्डर आता है एक्चुअली। तो गाइस, आप देख सकते हो कि मुझे एक नया ऑर्डर मिल गया है, और ये ऑर्डर गाइस देख सकते हो आप, मुझे 64 रुपीज़ का मिला हुआ है। तो गाइस, चलिए इसे फटाफट स्वाइप करके हम ऑर्डर को पिकअप कर लेते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हो कि मैंने ऑर्डर को पिकअप कर लिया है, और इस ऊपर आप देख सकते हो नीचे में आपको लिखा हुआ है किरण श्री स्वीट, ये मेरा रेस्टोरेंट का नाम है, और नीचे किशन बस्ती लिखा हुआ है, ये इस रेस्टोरेंट का एड्रेस है। अगर मुझे एड्रेस नहीं पता है, तो यहाँ पर एक और ऑप्शन है मैप का, तो चलिए नेविगेट के थ्रू हम मतलब एड्रेस तक पहुँचते हैं। तो आप इसके थ्रू भी पहुँच सकते हैं। तो गाइस, चलिए मैं इसके थ्रू पहुँचता हूँ, और फिर आपको वहाँ का प्रोसेस दिखाता हूँ कि रेस्टोरेंट में पहुँचने के बाद का प्रोसेस क्या होता है। तो गाइस, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसलिए वीडियो को फटाफट स्किप कर लेते हैं हम लोग। तो गाइस, मैं वहाँ पर पहुँच के आपको बताता हूँ। सो गाइस, मैं अभी लोकेशन पर पहुँच चुका हूँ। अब चलिए आ जाते हैं अपने ऐप पर। तो ऐप पर आने के बाद आपको नीचे लिखा होगा रिच रेस्टोरेंट फॉर पिकअप, आपको नीचे स्वाइप कर देना, जिससे रेस्टोरेंट वालों का एक मैसेज चला जाए कि आप रेस्टोरेंट पर पहुँच चुके हो। तो गाइस, चलिए इसे फटाफट स्वाइप कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ ऐसा फॉर्मेट दिख जाएगा, इस फॉर्मेट को आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये फॉर्मेट आपको हर एक ऑर्डर पर आने वाला है। तो चलिए वीडियो को मैं बताता हूँ कि सबसे ऊपर आपको पिकअप आईडी लिखा होगा, तो पिकअप आईडी का पीछे का 4 वर्ड आपको याद कर लेना है, यही आपको रेस्टोरेंट में बताना है, यही बताओगे तो आपको अपना खाना मिलेगा। तो गाइस, उसके नीचे आपका पिकअप टाइमिंग है, जो कि 9:38 PM लिखा हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हो कि ये मेरा रेस्टोरेंट का डिटेल है, और ये मेरा ऑर्डर का मतलब नाम है, दाल मखनी, पनीर बटर मसाला, मसाला कुलचा, जीरा पाउडर, सॉरी जीरा पुलाव। तो गाइस, ये मेरा मतलब ऑर्डर का सारा मतलब डिटेल्स है। उसके बाद गाइस, आपको क्या कर लेना है कि जब आपका ऑर्डर मतलब तैयार हो जाएगा, तो आपके फ़ोन पे एक मैसेज टाइप मतलब एक आपका एक स्क्रीन शो होगा, उसमें लिखा होगा कि आपका ऑर्डर रेडी हो गया है, आप इसे पिकअप कर लीजिए। जब आपका ये मैसेज आएगा गाइस, तो आपका फ़ोन कम से कम 3 या 4 सेकंड के लिए वाइब्रेट करेगा। तो गाइस, देख सकते हो कि अभी शायद मुझे मेरा ऑर्डर पिकअप हो सकता है अभी शायद। देखो गाइस, आ गया मेरा ऑर्डर। एक्चुअली क्या होता है कि कभी कभी आपका जो टाइमिंग होता है, टाइमिंग से पहले भी आपको आपका खाना मिल जाता है। तो ये रहा मेरा ऑर्डर, मुझे मिल चुका है। तो चलिए अब यहाँ से हम फटाफट से पिकअप कर लेते हैं। तो
जिसे मैंने पिकअप कर लिया है। अब पिकअप करने के बाद का प्रोसेस क्या है मैं आपको बहुत बताता हूँ अच्छे से, आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा गाइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नीचे लिखा है कम्प्लीट सैनिटाइजिंग, तो गाइस इस पर आपको मतलब क्लिक कर लेना है। इस पर मतलब क्या है कि आपको क्लिक करके मतलब दोनों ये ऑप्शन है जैसे इसका, आपको ये इस पर मतलब क्लिक कर देना है। ये एक्चुअली क्या है कि ये मतलब आपको मतलब बताना पड़ता है कि मतलब आप रेस्टोरेंट पर गए तो आपको वहाँ से मतलब आपका टेम्परेचर चेक किया कि नहीं, आपको हाथ में सैनिटाइजर दिया कि नहीं, ये बहुत कॉमन अभी बात हो चुकी है। तो आप आराम से कर लो। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखा होगा बिल का ऑप्शन, तो आपको जो बिल मिला होगा खाने के साथ उस बिल का आपको फोटो लेना है गाइस। अगर आपके पास बिल है तो आप फोटो ले लो, अगर नहीं है तो आप नीचे लिख दो रेस्टोरेंट नॉट हैविंग बिल। तो मेरे पास बिल है तो मैं इसका फटाफट फोटो ले लेता हूँ। तो चलिए इसका फोटो लेते हैं। तो गाइस देख सकते हो ये रहा मेरा बिल, और ये बिल का मैंने लिया है फोटो। उसके बाद मैं इसे यहाँ इसी ऐप में अपलोड करता हूँ ताकि मतलब जो ऑर्डर है उसका मतलब एक फुल वेरीफाइड हो जाए। तो गाइस थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ तो गाइस उसके बाद आप देख सकते हो कि ये ऑर्डर वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलता है रिव्यू चेकलिस्ट का, इस पर क्लिक करते हैं गाइस। इस पर क्लिक करने के बाद ये जो चार ऑप्शन दिख गया है गाइस, ये मेरा ऑर्डर का खाने का नाम है। तो गाइस आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर आपने ऑर्डर पिकअप कर लिया है और अगर आपका एक भी खाना एक भी आइटम अगर मिसिंग हो जाता है तो गाइस आपका जो पे आउट होगा आपके पैसे में से 100 रुपया काट दिया जाएगा, डिटक हो जाएगा गाइस। इसलिए गाइस अच्छे से समझ लीजिए गाइस इस बात को, आपको हमेशा अपना खाना चेक कर लेना है गाइस। और हाँ गाइस अगर आपको कुछ ऐसा आइटम मिलता है जो कि पैक है सील है जिससे आप खोलकर नहीं देख सकते हो, तो गाइस आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा कैन नॉट चेक पैकेज सील्ड। तो गाइस ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है गाइस, आपको क्या करना है सिंपल सी बात, आपको इस पर क्लिक कर लेना है और जो आपका फूड आइटम होगा उसका फोटो क्लिक कर देना है, उस पर ऑप्शन रहेगा आपको। तो गाइस मुझे जब जो खाना मिला है वो भी सेम ऐसा ही है, तो गाइस मैं भी चलो इसका फोटो ले लेता हूँ क्योंकि मैं ऐसा चेक नहीं कर सकता। तो देख सकते हो आप ये पूरा पैक हो चुका है, इसे मैं फाड़ूंगा तो फट जाएगा। तो गाइस इसका फटाफट हम फोटो ले लेते हैं। फोटो लेने से मतलब मैं उनके मतलब एक श्योर हो जाएगा कि अगर मिसिंग होता है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो देखिए मैंने इसे फोटो ले लिया, अब मैं इसे पिकअप मतलब अपलोड करता हूँ। उसके बाद गाइस मैं यहाँ से नीचे से स्वाइप अप करके ऑर्डर को पिकअप कर लेता हूँ। सो गाइस अभी पिकअप करते हैं। चलिए ऑर्डर को मैंने पिकअप कर लिया है। उसके बाद क्या करना है कि आप चाहो तो रेस्टोरेंट वालों को फीडबैक देख सकते हो। तो जैसे मैंने एक फीडबैक दे दिया कि कस्टमर ने मुझे बहुत ज़्यादा वहाँ पर वेट करवा दिया था। उसके बाद गाइस आप एक आ जाओ तो ऐसे पेज पर, इस पेज पर आपको कस्टमर का नाम दिखता है जो कि कस्टमर का नाम है एबी डैम्स और ये उनका एड्रेस है भास्कर नगर गुवाहाटी। तो अगर सिंपल सी बात है, अगर एड्रेस पता है तो आप एड्रेस के थ्रू जाइए, नहीं तो नहीं पता है तो आप मैप के थ्रू जा सकते हैं। तो मुझे नहीं पता है, मैं मैप के थ्रू जाता हूँ। तो चलिए गाइस तो मैप के थ्रू अभी क्या है कि मैंने वीडियो को थोड़ा स्किप कर दिया, मैं कस्टमर के लोकेशन पर पहुँच चुका हूँ। इसके बाद आपको गाइस क्या करना है, नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा रिच ड्रॉप लोकेशन, आपको यहाँ से स्वाइप कर देना है। जिससे कि स्वाइप करने के बाद आपको यहाँ पर एक मैसेज आएगा सेंड का ऑप्शन, सेंड का ऑप्शन आप उसे सेंड कर दो। इससे क्या है कि आप पहुँच चुके हो, इसका मैसेज चला जाएगा कस्टमर के पास और कस्टमर आपके पास आ जाएगा। इन केस गाइस क्या होता है कि कस्टमर अगर आपके पास नहीं आता है तो आप कस्टमर को कॉल कर सकते हो, ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर कॉल करने से पहले आपको रीज़न बताना होगा कि आप किस लिए कॉल कर रहे हो। तो गाइस मैं यहाँ पर ऑप्शन दे देता हूँ कि आई एम वेटिंग एट डोर और कस्टमर नॉट कमिंग टू डोर, क्योंकि मैं मतलब वहाँ पर वेट कर रहा हूँ और यहाँ पर वेट कर रहा हूँ गाइस और मतलब मुझे कस्टमर नहीं आ रहा है मेरा। तो मैं यहाँ से सिंपली उन्हें कॉल कर लूँगा। तो गाइस फटाफट मैं उनसे बात कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या प्रोसेस है। तो सो गाइस अभी मैंने यहाँ पर कस्टमर से बात कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर मैं कस्टमर का रेटिंग दूंगा कुछ समथिंग, ये कस्टमर ऐसा अच्छा लगा मुझे, ऐसा लगा उस टाइप का आप दे दो। उसके बाद गाइस आप यहाँ से लिख दो मार्क ऑर्डर डिलीवर। उसके बाद आपको कुछ ऐसा ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पर आपको सिंपल सा दिख जाएगा कि आपने 45 मिनट के अंदर में अपना ट्रिप कंप्लीट किया है, आपको 65.8 रुपीज़ आपको अर्न हुआ है और आपने टोटल 6.5 किलोमीटर मतलब आपने डिस्टेंस कवर किया है आज, और ये आपका अर्निंग टुडे है, आज आपने कितना कमाया। तो गाइस आज मेरा टोटल था 1097, मतलब कुछ 1000 रुपये मैंने कमाए। उसके बाद आप यहाँ पर ऑप्शन होगा आपका नीचे नेक्स्ट ऑर्डर का, तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए जिससे आपको नेक्स्ट ऑर्डर मिल जाएगा गाइस। उसके बाद मतलब आप मतलब गाइस एक नेक्स्ट पेज पर आप चले जाओगे। तो गाइस मतलब आपका फिर से ये होम पेज है, आप अपने लॉबी में आ जाते हो। तो गाइस बस इतना ही छोटा सा स्टेप है गाइस, अगर आप इसे अच्छे से समझ लेते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है।
तो गाइस मैं तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस। तो प्लीज़ गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो दिल से प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और गाइस कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो मतलब समझ आया, और अगर आपको वीडियो को नहीं समझ आया गाइस कहाँ कहाँ पर आपको दिक्कतें आ रही हैं प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ और मैं आप सबको रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर दूंगा गाइस। तो गाइस वीडियो को हर जगह शेयर करिए गाइस, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें जो जोमेटो में न्यू ज्वाइनिंग हो रहे हैं लेकिन उन्हें पहला ऑर्डर करना नहीं आता, और वीडियो भी आपको यूट्यूब पर अच्छे से नहीं मिलते हैं, लोग समझा भी नहीं पाते हैं। तो गाइस ये वीडियो आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इस वीडियो को मैंने लाइव दिखाया गाइस। इस वीडियो को बनाने में मुझे कम से कम एक घंटे से ज़्यादा लग गया गाइस, क्योंकि मैंने इस वीडियो को पूरा लाइव दिखाया गाइस। और बहुत ज़्यादा अभी मैं एक्चुअली ड्यूटी पर हूँ, और मतलब मैंने सोचा कि मैं भी इसे घर पर बनाऊं, पर मैंने सोचा कि ड्यूटी पर बनाना सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा गाइस। तो गाइस चलिए आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा गाइस। तो चलिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय, सी यू सून।